गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.1 के दो प्रश्न चौथा और पांचवा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चौथे प्रश्न के अंदर एक संख्या रेखा दे रखी है जो ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है, इस प्रकार देखें हम। और जीरो यहाँ दे रखा है बीच में, ऊपर वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है और नीचे वाली ऋणात्मक पूर्णांक, ये संख्या रेखा पर दर्शा रखे हैं। हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं एबीसीडी के रूप में, और उनके मान पूर्णांकों के बराबर ही है। किस पूर्णांक के बराबर है इनसे संबंधित इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं कि यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है, डी का पूर्णांक क्या है +8, जोड़ का 8 है, तो -8 वाला पूर्णांक कौन सा है। अब जोड़ का 8 तो ऊपर है, नेगेटिव कहां होगा, नीचे होगा। अब जीरो हमारी यहां दे रखी है, तो -8 देखें, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये -8 आया हमारा। और ये -8 कौन से बिंदु पर है, कौन सा बिंदु है ये, F, बिल्कुल सही कहा, कौन सा बिंदु है F, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया है F जो बिंदु है वो -8 वाला पूर्णांक है, -8 वाला पूर्णांक है। बी देख लेते हैं, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। अब जी हमारे पास यहां है, आप देखें जीरो से नीचे है, जीरो से ऊपर है, जीरो से नीचे है ना, तो जीरो से नीचे है तो कौन सा पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, बिल्कुल सही। प्रश्न श्री, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए, बी ये रहा और ई ये रहा, इसके संगत पूर्णांक लिख देते हैं। बी बराबर जीरो से ऊपर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 पे है बी, तो बी किसके बराबर हो गया 4 के। और ई देख लेते हैं, ई नीचे है, जीरो से नीचे था ऋणात्मक, घटाए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, -10 इसका उत्तर आया है, ई का जो संगत पूर्णांक हमें मिलेगा, ठीक है। डी में है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, किसका मान सबसे कम है, जोड़ वाले का मान कम होता है, घटा वाले का, नेगेटिव का, जी हाँ नेगेटिव का, नीचे वाले का मान सबसे कम होगा। और सबसे कम, सबसे नीचे कौन है हमारे पास, ई बिंदु है, तो ई का मान सबसे कम है, बिंदु ई का मान सबसे कम है, ठीक है। अगला है, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए, घटते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, डी, डी कितना है हमारे पास 8, फिर है सी, सी कितना है 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद बी है, बी कितना है 4, फिर ए है, ए कितना है 1, 2, 2 है, फिर क्या है एच है, एच कितना है -1, -2, ठीक है। एच के बाद क्या है हमारे पास जी, जी कितना है -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। उसी प्रकार आप F लिख लें, F कितना है -8, उसके बाद E कितना है -10, इस प्रकार हमने घटते हुए क्रम में लिख दिया कि पहले D है, C है, B है, और उसके मान भी हमें साथ में ही लिख दिए हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब पांचवें प्रश्न में देखते हैं, पांचवें प्रश्न में कुछ स्थानों के तापमान दे रखे हैं, सबसे पहले तो उन्हें पूर्णांकों के रूप में लिखना है। स्थान है हमारे पास सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। अब नीचे है तो वो जोड़ में आएगा या घटा में आएगा, नीचे तो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। शिमला का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, फिर नीचे है तो -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, अब की बार ऊपर है, ऊपर है तो वो जोड़ का आएगा, जोड़ का 30 डिग्री सेल्सियस, या जोड़ का निशान आप लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव निशान आपको जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, फिर जोड़ का 20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, अब फिर नीचे आ गया तो -5 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास पूर्णांकों में इनके तापमान आ गए हैं। इसके बी भाग में दे रखा है कि इन जो ये शहर हैं और जो ये संख्या रेखा दे रखी है तापमानों के रूप में है, डिग्री सेल्सियस के रूप में है, तो इन शहरों को यहां पे दर्शाएं कि कितने डिग्री सेल्सियस पे कौन सा शहर है तापमान के मामले में,
ठीक है, सियाचिन 90 10 है तो जीरो के बाद 95 90 10, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे सियाचिन है, सियाचिन, ठीक है, नेगेटिव 10 पे। और नेगेटिव 2 डिग्री सेल्सियस, देखो जीरो के बाद नेगेटिव 1 नेगेटिव 2, यहां नेगेटिव 2 है तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, शिमला, क्या हो गया, शिमला, ठीक है, शिमला हो गया। अब अहमदाबाद है जोड़ का 30 डिग्री सेल्सियस, ये इधर जोड़ वाला है 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहां है अहमदाबाद, जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर दें तो दिखाई दे जाएगा, या थोड़ा डार्क कर दें भाई, हाँ ये है वो तापमान उस शहर का, ठीक है। दिल्ली 20 तो सीधा दिखाई दे रहा है, ये रहा, तो यहां लिख देंगे दिल्ली, या थोड़ा सा आप ऐसे पॉइंट आउट भी कर दें इनको भाई, हाँ ये है तीर के निशान के साथ, तो और भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। श्रीनगर नेगेटिव 5 डिग्री सेल्सियस, ये रहा नेगेटिव 5, तो ये हो गया हमारे पास श्रीनगर। तो ये हमने पांचों के पांचों शहर इस संख्या रेखा पर तापमान के अनुसार से दर्शा दिए, ठीक है। शीत प्रश्न में कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा स्थान वो होगा जिसका तापमान सबसे कम होगा, तापमान ज्यादा होता है तो गर्मी होती है और कम होता है तो ठंड होगी, तो सबसे कम तापमान किसका है, यहां पे देखें नेगेटिव में सबसे कम किसका है, नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस, किसका, सियाचिन का, तो सियाचिन है वो सबसे ठंडा है, आप लिख लेना, ठीक है। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, उससे ऊपर वाले कौन कौन से दो स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, दिल्ली और अहमदाबाद दिखाई दे रहे हैं, वहां से भी देख सकते हैं 10 से ऊपर ये रहा अहमदाबाद का और दिल्ली का ही है, ठीक है। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।